Planning for your next trip? Plan it with OYO Rooms. Why? Get minimum 50% off on your booking when you stay at OYO. Stay at OYO. Book now. Hello everyone. Am I audible to everyone? Planning for your next trip? Plan it with OYO Rooms. Why? Get minimum 50%. Sorry. There were some ads going on. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की. ठीक है, सबको मैं दिख रहा हूँ, आवाज़ आ रही है, किसी के साथ कोई इशू तो नहीं है? चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास. और आज की क्लास का जो टॉपिक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन दिस लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडियन पेंटिंग्स. ठीक है, तो ये इसकी दूसरी क्लास है. एंड एक आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, लाइक यू कैन सर्च मी, माय नेम इज़ शुभम सिंह. ठीक है, आई एम वेरीफाइड एंड स्टार एजुकेटर ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म. तो अगर इफ़ यू वांट टू सी की व्हाट आर द कोर्सेज आई हैव मेड, तो आप मेरी प्रोफाइल पर जा सकते हो, वो सारे कोर्सेज आप देख सकते हो. ठीक है, और स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो जो एथिक्स का जीएस पेपर 4 है वो आप देख सकते हो वहाँ पे. ठीक है, और अब जीएस पेपर 4 का यानी एथिक्स का पूरा पेपर मैंने डिस्कस किया हुआ है मेरी प्रोफाइल पे, वो सारे कोर्सेज मौजूद हैं. चाहे उसमें जो कंसेप्चुअल पार्ट है उसके बारे में डिस्कस किया हमने, फिर जितने भी एथिकल फिलोसफीज, एथिकल एथिक्स से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हो सकती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, किस तरीके से एथिक्स के आंसर को लिखना चाहिए, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड. और उसके अलावा मैंने आर्ट एंड कल्चर के ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज बनाए, तो आपको मेरी प्रोफाइल पे जाना है. एंड आप देखोगे कि 11th क्लास की जो फाइन आर्ट्स की बुक है उसको भी मैंने डिस्कस किया है. उसके अलावा जो भक्ति मूवमेंट है उसके ऊपर एक कोर्स है मेरा. MCQs आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs आ सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं. ठीक है, और बाकी एक 6th to 12th NCERT आर्ट एंड कल्चर का एक कोर्स ऑलरेडी मेरा चल रहा है. तो ये चीज़ें जरूर करना. एंड अनअकैडमी प्लस टैब पे बहुत ही एक नया एक चेंज लाया गया है. दिस इज़ वेरी वेलकम चेंज. आई वाज लाइक एक्सपेक्टिंग दिस थिंग टू हैपन एंड फाइनली इट डिड हैपन. तो इसमें यह है कि लाइक इनिशियली पहले क्या होता था कि अलग अलग एजुकेटर्स के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब. ठीक है, इट वाज लाइक कि डिश टीवी का और उसका हिसाब किताब था कि स्पोर्ट्स का चैनल देखना है तो आपको अलग से पैक भराना है, और आपको सास बहू के सीरियल देखने हैं तो अलग से पैक भराना है. तो अभी वो चीज़ नहीं है. इट लाइक अ नेटफ्लिक्स नाउ कि वंस यू पे इट यू कैन वॉच एनीथिंग ऑन इट. तो अगर इफ़ यू टेक सब्सक्रिप्शन लाइक 6 month का सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी प्लस, तो आप कोई भी एजुकेटर, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, चाहे किसी भी रेलेवेंट टॉपिक पे पढ़ा रहा हो, आप अक्रॉस द पूरा प्लेटफॉर्म आप उसको खंगाल सकते हो, उसको देख सकते हो. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दोज पीपल. इफ आई पर्सनली सजेस्ट कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, इनिशियली व्हेन आई केम टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, तो ये एक प्रॉब्लम थी. मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे गाइडेंस है और क्या करनी है चीज़ें. आई वाज डूइंग जॉब और आई वाज एट समटाइम्स आई वाज देयर एट माय नेटिव प्लेस, तो कोई गाइडेंस नहीं थी. अगर आपको प्रिपेयर करना है तो यू हैव टू गो टू दिल्ली और सम अदर सेंटर. तो अभी वो चीज़ नहीं है जब से इंटरनेट रेवोल्यूशन आई है. तो ये एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है अनअकैडमी प्लस टैप, जिसपे बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स मौजूद हैं और वो काफ़ी मदद कर रहे हैं बाकी लोगों की. तो जस्ट यू सब्सक्राइब टू दीज चैनल्स. अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए एंड आप जाइए, और यू कैन जस्ट लाइक सर्च माय नेम शुभम सिंह एंड फ्रॉम देयर यू कैन एक्सेस माय कंटेंट. ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई. चलिए शुरुआत करते हैं. बिफोर शुरुआत करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क कि कितने लोग थे मेरी लास्ट क्लास में. मैं नो, क्योंकि एक बार मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग लास्ट क्लास में थे, तो उस अकॉर्डिंगली ही मैं आगे की क्लास करूँगा. ठीक है, अगर मुझे पता चल जाए एक बार कि हाउ मेनी पीपल वेयर देयर इन माय लास्ट क्लास रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, बिकॉज मैंने पिछली क्लास में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी इंडियन पेंटिंग के बारे में, और आई वुड जस्ट लाइक टू नो कि कितने लोग थे मेरी पिछली क्लास में. ठीक है, यू कैन लाइक अपना बता सकते हो चैट में, यू कैन देयर इज अ चैट ऑप्शन,
चैट ऑप्शन में बता सकते हो। खैर एनीवेज, अगर आपने क्लास अटेंड की है या नहीं भी की है तो मैं बहुत ही एक क्विक तरीके से 5-7 मिनट के अंदर पिछली क्लास का जो भी पूरा ब्यौरा था आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम इंडियन पेंटिंग के एवोल्यूशन की बात करें, तो इंडियन पेंटिंग के अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो शादांग करके एक इम्पॉर्टेंट वर्क था जिसने डिफाइन किया था 6 लिम्ब्स ऑफ इंडियन आर्ट। ठीक है, तो 6 लिम्ब ऑफ इंडियन आर्ट यानी कि इंडिया के आर्ट को अगर 6 भागों में अगर क्लासिफाई किया जाए तो उसको शादांग कहते हैं। और चित्रसूत्र करके एक कोड था जिसने डिफाइन किया था कि किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। चलिए, तो पिछले लेक्चर में हमने जो पेलियोलिथिक पेंटिंग है जिसमें प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, भीमबेटका की पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस किया था कि ये मुराल पेंटिंग थी। मुराल पेंटिंग का मतलब होता है दोज पेंटिंग्स विच आर मेड ऑन वॉल। ठीक है, तो जो रॉक पेंटिंग्स है इंडिया की, जैसे कि भीमबेटका, लखुदियार और अलग अलग जगहों पे जो पेंटिंग्स है, ठीक है, दे आर मुराल पेंटिंग। और उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि दीज पेंटिंग्स, उनका जो थीम था इन पेंटिंग का, जनरली डे टू डे लाइफ से रिलेटेड था। ठीक है, इट वॉज लेस ऑफ अ स्पिरिचुअल, मोर ऑफ अ सेकुलर थीम। ठीक है, बहुत ही सिंपलिस्टिक, अगर आप देखो तो बहुत ही सिंपलिस्टिक डिजाइन का इस्तेमाल इन पेंटिंग्स में किया गया था। ठीक है, ज्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, सिंपल बस। अगर इफ यू हैव टू मेक अ मैन, तो एक स्टिक लाइक फॉर्म ऐसे बनाया, एक सर बनाया, दो ऐसे वो बनाए और ऐसे पैर बना दिए। तो इस तरीके की बहुत ही सिंपलिस्टिक डिज़ाइन का इस्तेमाल करके, ठीक है, ये सारी पेंटिंग्स बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन ऑब्जर्वेशन में देखें तो ये मुराल पेंटिंग थी और इसमें जो पेंट यूज़ किया गया था डेट वॉज मिनरल का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, मिनरल्स का इस्तेमाल किया गया था एंड नॉट दीज पेंट्स वेर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी प्लांट और एनी सच थिंग लाइक, कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई पौधा लिया और कोई फूल लिया, उसको उबाला और उससे कलर निकाल लिया। ठीक है, मिनरल के कलर थे, बिकॉज ऑफ कि ये मिनरल के कलर थे, ये कलर आज भी वैसे के वैसे हैं। ठीक है, तो 10-20 हजार साल हो गए, आज भी ये कलर सस्टेन कर पा रहे हैं। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दीज कलर्स ऑफ दीज पेंटिंग्स वेयर डिराइव फ्रॉम मिनरल सब्सटेंसेस। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ हमने चीज़ें डिस्कस की थी रॉक पेंटिंग्स के बारे में। ठीक है, इसके बारे में अगर आपने क्लास नहीं देखी तो प्रेजेंटेशन मेरी प्रोफाइल पे मौजूद होगी, आप वो सारी चीज़ें देख लेना। ठीक है, और जॉनर ऑफ इंडियन पेंटिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक हो गया मुराल पेंटिंग, एक हो गई मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, तो अगर हम देखें कि मुराल पेंटिंग क्या होती है और मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोस्तों कि मुराल पेंटिंग, अगर हम मुराल पेंटिंग के बारे में बात करें तो मुराल पेंटिंग को वॉल्स के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें मिनिएचर पेंटिंग की, तो मिनिएचर का पेंटिंग को आप जो कपड़े हैं, जो पेपर है, उसके ऊपर बनाई जाती है। ठीक है, तो बेसिक यही डिफरेंस है, साइज का डिफरेंस नहीं है। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि मुराल पेंटिंग है तो बड़ी पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग मतलब छोटी पेंटिंग, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, मुराल पेंटिंग भी छोटी हो सकती है, मिनिएचर पेंटिंग बड़ी हो सकती है, बस डिफरेंस ये है कि किस सरफेस के ऊपर, किस बेस मटेरियल के ऊपर वो पेंटिंग को बनाया गया है। ठीक है, अगर दीवार के ऊपर, किसी दीवार के ऊपर अगर वो पेंटिंग बनेगी तो उसको मुराल पेंटिंग कहते हैं, और अगर पेपर के ऊपर, कैनवास पेपर के ऊपर, कपड़े के ऊपर जो पेंटिंग्स होती है उसको हम मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में बस मैं बताता चलता हूँ कि मुराल पेंटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था, फिर उसके बाद अजंता की जो मुराल पेंटिंग्स है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि दीज आर मुराल्स। ठीक है, फिर जो इम्पॉर्टेंट जो अजंता की पेंटिंग्स है लाइक पद्म पानी की पेंटिंग, ही इज़ द बोधिसत्वा, इनके ऊपर क्वेश्चन भी आया था अभी पिछले साल ही कि बोधिसत्वा हैविंग लोटस इन हिज हैंड, ये पेंटिंग कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका जो सही जवाब है ये अजंता, इसका सही जवाब था। फिर मारा विजय पेंटिंग का जो थीम था ये भी आपका अजंता में पाया जाता है। फिर एलोरा के मुराल्स हमने देखे थे पिछले लेक्चर में। ठीक है, फिर बादामी के मुराल पेंटिंग देखी थी, फिर उसके आगे बढ़ते हुए जो पल्लवा, पांडवा और चोला किंग्स की जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स हैं, उनके जो सेलियंट फीचर्स हैं,
ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में देखी थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये लेक्चर मिस कर दिया था तो प्लीज़ मेरी प्रोफाइल पे जाना, 11th क्लास की NCERT का जो चैप्टर एक कोर्स है उसमें जाकर ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। चलिए, तो चोला पेंटिंग के बारे में देखा था, विजयनगर मुराल के बारे में देखा था, ठीक है, पिछले लेक्चर में, फिर नायका मुराल देखा था, और उसके अलावा नायका मुराल के बाद हमने केरला मुराल के बारे में चीज़ें देखी थी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर किया था। आज हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, तो डैट इज पिथोरो मुराल पेंटिंग, ठीक है। तो पिथोरो मुराल पेंटिंग एक तरीके से ट्राइबल पेंटिंग है, ठीक है, जो गुजरात और राजस्थान के एरियाज में ये पेंटिंग की जाती है। जो ट्राइबल लोग हैं जो गुजरात और राजस्थान की बेल्ट में रहते हैं वो इस पेंटिंग को जनरली यूज करते हैं, ठीक है। और ऐसा माना जाता है दीज पेंटिंग्स आर कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, ठीक है, इनको, इन पेंटिंग्स को शुभ माना जाता है, इसलिए जो ट्राइबल लोग होते हैं अपने घरों में इन सारी पेंटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ ये है कि अगर इन पेंटिंग्स को देखोगे, पिथोरा की पेंटिंग्स को अगर हम देखें, ठीक है, अगर इन पेंटिंग पे अगर हम ध्यान से एक बार देखते हैं तो ये पेंटिंग्स, ठीक है, ये पेंटिंग देखिए तो बहुत ज़्यादा इसमें ऐसी डिटेलिंग नहीं है, बहुत आर्टिस्टिक नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा रियल है। अब अगर इस घोड़े को देखिए, ऐसा बहुत रियल घोड़ा नहीं दिखता है, इसका जो क्रूडिटी है यही इसका सबसे USP है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वही लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो बहुत ही सिंपलिस्टिक डिज़ाइन होती है, और सिंस दीज पीपल आर ट्राइबल्स तो उनके पास इतने ज़्यादा अच्छे मटेरियल, ब्रश, ये सब सारी चीज़ें नहीं होती, तो लेकिन फिर भी बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के वजह से भी, बिन लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी ये पेंटिंग्स काफ़ी अपीलिंग है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि दीज पेंटिंग्स आर मोर देन रिचुअल देन आर्ट, ठीक है। रिचुअल देन आर्ट का मतलब है कि अपनी लाइफ से रिलेटेड, जब भी उनकी लाइफ में कोई चीज़ होने वाली हो, शादी होने वाली हो, बच्चा होने वाला हो, या कोई लाइफ से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंस, ठीक है, तो वो इन पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक और इम्पॉर्टेंट पेंटिंग आती है, मिथिला पेंटिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मिथिला पेंटिंग के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये जो मिथिलांचल है, ठीक है, ये जो ये मिथिलांचल वाला एरिया है, यहाँ पर इस पेंटिंग का जो है उस वजह से, इस एरिया की वजह से इस पेंटिंग का नाम मिथिला पेंटिंग पड़ा, ठीक है। ये बिहार का मैप है, ठीक है, जब झारखंड बिहार में होता था तो ये पूरा मैप है, और उसमें ये जो ऊपर हिली एरिया है, जो ये तराई वाला रीजन है, इसको मिथिलांचल कहते हैं, और ये पेंटिंग यहाँ पर पाई जाती है और यहाँ की ही ट्रेडिशन मानी जाती है, और जिसकी वजह से इस पेंटिंग का नाम मिथिला पेंटिंग पड़ा। और इसी पेंटिंग का दूसरा नाम है आपका मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, और मधुबनी का मतलब है फॉरेस्ट ऑफ हनी, यानी कि शहद का जंगल, मधुबनी, मधुबन, शहद का जंगल, ठीक है। और बहुत ही एक और खास बात इस पेंटिंग के बारे में अगर मैं कहूँ तो बहुत ही एंशियंट है, इवन रामायण में भी, जो वाल्मीकि की रामायण है, ठीक है, उसमें भी इसका वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके कुछ सेलियंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो एक और चीज़ याद रखने वाली है कि इस पेंटिंग को GI टैग स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। और जनरली इन पेंटिंग का भी इस्तेमाल जो मिथिलांचल में रहने वाले लोग हैं वो उनकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड देखने को मिलता है। तो कई जगहों पे ये पेंटिंग एक तो स्पिरिचुअल भी मानी जाती है, ठीक है, और कुछ जगहों पे इस पेंटिंग में जो डे टू डे लाइफ के इवेंट्स हैं, जैसे शादी के इवेंट्स हैं, आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, शादी के इवेंट्स को दिखाया जाता है। कई बार जो है कृष्ण और कृष्ण की शादी के समारोह, यानी स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट्स हैं जिसमें रामायण और महाभारत की थीम्स होती हैं, उनको भी दिखाया जाता है, ठीक है। और जनरली ये जो पेंटिंग है, ये जो मिट्टी की कच्ची दीवारें होती हैं उन पे ये पेंटिंग होती है, ठीक है, और इस पेंटिंग के थ्रू जो लोग होते हैं वो अपने थॉट्स, होप्स और जो भी ड्रीम्स हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, जो अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, उसको जो है उनकी अपनी इमेजिनेशन को एक्चुअली एक साकार रूप देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और देख लेते हैं मिथिला पेंटिंग के बारे में,
तो क्या क्या चीजें याद रखने वाली है मिथिला पेंटिंग के बारे में। पहली बात तो ये है कि मिथिला पेंटिंग मिथिलांचल में शुरू हुई थी, ये बिहार का रीजन है, ये तराई रीजन है जो हिमाचल की फुटहिल्स पे पाया जाता है, ठीक है। और मिथिला पेंटिंग को ही मधुबनी पेंटिंग कहते हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर। और इन पेंटिंग का जो है मेंशन रामायण में, काफ़ी पुरानी ट्रेडिशन है, तो अगर रामायण की बुक उठाएंगे वाल्मीकि की तो उसमें भी इसका मेंशन देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है। और जीआई स्टेटस है इसके पास, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। फिर इन पेंटिंग का इस्तेमाल सेकुलर रीज़न भी है इसका, इस पेंटिंग को बनाने का सेकुलर रीज़न, यानी कि डे टू डे लाइफ से रिलेटेड। स्पिरिचुअल रीज़न मतलब कि रिलीजन से रिलेटेड। तो अगर हम बात करें मिथिला पेंटिंग की, तो मिथिला पेंटिंग स्पिरिचुअल वजहों से भी, यानी कि इसमें महाभारत, रामायण, श्री कृष्ण लीला, ये सब सारी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं। और इसके अलावा जो हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं, शादी, ब्याह, ये सब सारी चीज़ें भी इन पेंटिंग्स में देखने को मिलती है, ठीक है। काफ़ी कलरफुल, आप देख सकते हो काफ़ी कलरफुल ये पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है, और टू डायमेंशनल होती हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए फिर ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा इसमें कुछ जानने वाली चीज़ है नहीं इस स्लाइड में, कि फेस्टिवल पे इसका इस्तेमाल होता है, पाउडर राइस से पेस्ट बनाया जाता है, उसमें कलर डाला जाता है और उस कलर को या तो कागज़ के ऊपर या तो जनरली कपड़े के ऊपर, जो कैनवास होता है, कपड़े का बना हुआ कैनवास, उसके ऊपर ये पेंटिंग होती है। और इन पेंटिंग्स में आपको हिंदू जो देवी देवता है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आपको मेंस में अगर ये आता है, ठीक है, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बहुत चीज़ें आप जान सकते हो, ठीक है। इतना चीज क्लियर है, कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मिथिला पेंटिंग के बाद बात करते हैं वर्ली पेंटिंग की। तो अभी तक जैसे मैंने ये तीन पेंटिंग्स बताई, तो ये मुराल पेंटिंग के अंदर ही आती है, क्योंकि सबको दीवार पे बनाया जाता है इसलिए ये मुराल पेंटिंग के अंदर ही आती है। लेकिन ये थोड़ी सी फोक पेंटिंग है, फोक पेंटिंग मतलब कि लोकल जो लोग होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो अपनी डे टू डे लाइफ को दीवारों पे उकेरते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो हमने पल्लवा, पांडवा, चोला मुराल के बारे में देखा था, अजंता और एलोरा की पेंटिंग्स देखी थी। तो ये जो पेंटिंग्स हैं, चाहे मिथिला पेंटिंग हो, चाहे पिथोरा पेंटिंग हो, चाहे वर्ली पेंटिंग हो, ठीक है, ये ट्राइबल्स अपनी डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ये मुराल पेंटिंग भी है और उसके साथ साथ ये फोक पेंटिंग भी है, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं वर्ली पेंटिंग के बारे में। तो वर्ली पेंटिंग की अगर हम बात करें तो काफ़ी पुरानी है, ठीक है, आप देखोगे तो 2500-3000 BC बिफोर क्राइस्ट ये पेंटिंग है, यानी कि लगभग आज से 4500 साल पुरानी, ठीक है। और ये पेंटिंग अगर आपने भीमबेटका का मेरा लेक्चर देखा होगा तो काफ़ी ज़्यादा मैच करती हैं भीमबेटका की पेंटिंग से, ठीक है। आप देखोगे इनकी जो सिंप्लिसिटी है इन पेंटिंग्स की, ठीक है, ये सिंपल, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, ह्यूमंस को एज अ स्टिक फॉर्म में दिखाया जाया गया है, फिर जो एनिमल्स हैं वो भी काफ़ी जो है सिंपलिस्टिक डिज़ाइन है, ठीक है, पेड़ के रूप में सिर्फ ज्योमेट्रिकल फिगर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो केव पेंटिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, कि स्टिक लाइक ह्यूमंस, यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स लाइक सर्कल, ट्रायंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो दीज आर ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो ये केव पेंटिंग की खासियत है, आप इसमें भी देखोगे तो सेम चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, आपको ये सर्कल दिखेगा, आपको ह्यूमंस को दिखाना है तो एक ट्रायंगल ऐसे बनाया, एक ट्रायंगल ऐसे बनाया तो ह्यूमंस बन गए, ठीक है। फिर आपको हट का वो शेड दिखाना है तो आपने एक ट्रेपिजियम का शेप यूज किया, तो बहुत ही सिंपलिस्टिक डिजाइन है जो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में और कुछ मैं बताऊं तो ये जो पेंटिंग है ये
ट्राइबल्स अपने हट की दीवारों पे इन पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, वर्ली पेंटिंग की, और ये महाराष्ट्र के रीजन से बिलोंग करती है, ठीक है, वेडिंग और हार्वेस्ट में इसका इस्तेमाल होता है। और इसमें जनरली इसके थीम की अगर हम बात करें, हंटिंग, फिशिंग, फार्मिंग, फेस्टिवल्स और डांस, ये इसकी बेसिक थीम मानी जाती है, ठीक है, इन थीम्स का इस्तेमाल होता है। और ये पेंटिंग ये दिखाती है कि ह्यूमैनिटी के बीच में, ह्यूमंस के बीच में और नेचर के बीच में क्या रिश्ता है। तो आप ये पेंटिंग्स देखोगे तो बहुत ही नेचुरलिस्टिक है, और हर पेंटिंग में आपको नेचर देखने को मिलेगा। आप इस पेंटिंग को देखिए, इसमें भी पेड़ पौधे, पानी, जीव जंतु, सेम इसी इस पेंटिंग में भी आपको चंद्रमा, पेड़, कुछ जानवर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो काफ़ी नेचुरलिस्टिक होती है वर्ली पेंटिंग की थीम। और देखें तो इस पेंटिंग को भी GI इंडिकेटर, GI जो टैग है, ठीक है, वो मिला हुआ है। तो वर्ली पेंटिंग के बारे में क्या क्या चीज़ें याद रखने वाली है, सबसे पहली बात यह है कि लगभग 4,500 साल पुरानी है, भीमबेटका की पेंटिंग से काफ़ी ज़्यादा मैच करती है, ठीक है। और इनका इस्तेमाल ट्राइबल, जो महाराष्ट्र का जो ट्राइबल बेल्ट है, स्पेशली जो कोली ट्राइबल्स होते हैं, वो इस पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, वर्ली पेंटिंग का। और ये जनरली स्पिरिचुअल नहीं होती है ये पेंटिंग, इसमें देवी देवता ये नहीं दिखेंगे, लेकिन जो ट्राइबल लाइफ है डे टू डे, आप देखिए ये हंटिंग सीन, खाना, ये हंटिंग सीन आपको दिखेगा, ठीक है, शिकार करने वाला सीन आपको यहाँ दिखेगा, आपको यहाँ पे खाना बनाने वाला सीन दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे डे टू डे जो लाइफ की चीज़ें हैं वो दिखेंगी। तो जनरली इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हमें पेंटिंग में देखने को मिलती हैं। फिर ज्योमेट्रिक पैटर्न का इस्तेमाल होता है, और काफ़ी ज़्यादा ये मैच करती है आपके जो भीमबेटका की केव पेंटिंग्स थी उससे, ठीक है। चलिए फिर मिनिएचर पेंटिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमारी बात हो रही थी मुराल पेंटिंग के बारे में, आज हम मिनिएचर पेंटिंग के बारे में देखेंगे। तो मिनिएचर पेंटिंग देखोगे कि मिनिएचर पेंटिंग का मतलब है जो स्मॉल साइज पेंटिंग होती है, जिनका जनरली वाटर कलर और कपड़ों के ऊपर इसको बनाया जाता है, ठीक है। मिनिएचर पेंटिंग का मतलब है छोटे साइज की पेंटिंग। और जैसा कि मुराल की बात हम कर रहे थे, मुराल में दीवारों पे बनाई जाती है, जो मिनिएचर पेंटिंग होती है इनको कागज़ के ऊपर और कपड़ों के ऊपर उकेरा जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है मुराल के बीच में और मिनिएचर पेंटिंग के बीच में। और स्टार्टिंग के जो बहुत ही पुराने मिनिएचर पेंटिंग्स थी, उनको पाम लीफ और लकड़ियों के ऊपर बनाया जाता था, क्योंकि उस समय कपड़ा बना नहीं था, पेपर का आविष्कार हुआ नहीं था। तो जो पत्तियाँ होती हैं, जो लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ी के जो पैनल्स होते हैं, उसके ऊपर ये मिनिएचर पेंटिंग बनाई जाती थी, ठीक है। फिर कई जगहों पे जो जैन लिटरेचर है, जिसको अंगा बोलते हैं, अंग, तो अंग में भी आपको इन मिनिएचर पेंटिंग का वर्णन देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर हम मुगल एम्परर्स की बात करें, चाहे अकबर हो, जहांगीर हो, चाहे शाहजहां हो, तो इन लोगों ने भी काफ़ी पैटर्नाइज किया था मिनिएचर पेंटिंग को। तो आगे हम मुगल मिनिएचर पेंटिंग के बारे में देखेंगे। फिलहाल इतनी चीज़ें याद रखिए कि ये जो एम्परर्स थे, इन लोगों ने, मुगल्स ने स्पेशली अगर हम बात करें, तो मुगल ने काफ़ी ज़्यादा पैटर्नाइज किया था इन मिनिएचर पेंटिंग्स को, ठीक है। फिर कुछ इनके सेलियंट और कॉमन फीचर्स की बात करें मिनिएचर पेंटिंग की, तो काफ़ी कलरफुल होती है, ठीक है। दीवारों पे बहुत ज़्यादा कलर का इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि इनको कपड़े के ऊपर और पेपर पे बनती है, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनरली ये जो कलर होते हैं वो प्लांट के प्रोडक्ट से, या जैसे वाइट है तो चावल को पीस के, अगर गुलाबी कलर चाहिए तो गुलाब को खौला के उससे जो गुलाबी कलर निकलता है, जो पिंक कलर निकलता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली ये प्लांट और इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे डिराइव्ड इसके कलर्स होते हैं मिनिएचर पेंटिंग के, ठीक है। चलिए शुरुआत आगे बढ़ते हैं। तो मिनिएचर पेंटिंग, जो पाला राजा थे, ठीक है, गोपाला, राजपाला, ये जो राजा थे पाल वंश के, उन लोगों ने, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, स्लाइड चेंज हो गई, ठीक है।
जो पाल राजा थे बंगाल के, उन लोगों ने इन पेंटिंग्स को काफ़ी ज़्यादा जो है प्रमोट किया था, ठीक है। और इसकी बात करें तो मुगल पीरियड में, जैसा कि मैंने बताया कि मुगल पीरियड में ये पेंटिंग अपने जेनिथ पे पहुंची थी, ठीक है। फिर आगे देखें कुछ जो इम्पोर्टेंट मिनिएचर पेंटिंग्स है, अभी तो मैं बस ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा अगर समझ में ना आए तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि एक एक पेंटिंग को मैं, जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें थोड़ी सी आसान होती चली जाएंगी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा फैक्चुअल लग रहा होगा, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, जब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगेंगी तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि मुगल पीरियड पे ये पेंटिंग काफ़ी आगे बढ़ी, और उसके बाद ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में आगे बढ़े तो राजस्थानी पेंटिंग, बूंदी, किशनगढ़, जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़, दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। और रागमाला पेंटिंग भी इसी स्कूल से बिलोंग करती है। अब रागमाला पेंटिंग क्या है और मुगल पेंटिंग, राजस्थानी पेंटिंग्स क्या है, वो नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाला स्कूल से। तो पाला स्कूल सबसे अर्लीस्ट मिनिएचर पेंटिंग है हिंदुस्तान की, ठीक है। तो जो सबसे जो स्टार्टिंग की, जब मिनिएचर पेंटिंग अभी जब एक नवजात शिशु था, एक वॉज अ बडिंग चाइल्ड, देन दिस दीज पेंटिंग्स केम इन टू एग्जिस्टेंस एंड दोज पेंटिंग्स आर कंसिडर्ड एज पाला पेंटिंग्स, ठीक है। और देखोगे कि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो स्टार्टिंग के जो फेज हैं, जो उनके लिटरेचर हैं, उनमें आपको इन पेंटिंग्स का, इन मिनिएचर पेंटिंग्स का वर्णन मिलता है, ठीक है। दे हैव इलस्ट्रेटेड बुद्धिज्म के जो टेक्स्ट हैं और जैनिज्म के जो टेक्स्ट हैं उसमें इन पेंटिंग्स का वर्णन मिलता है। नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमापुरा, दीज वेर द ग्रेट सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड आर्ट। और स्पेशली जो हम पाला स्कूल की अगर हम पेंटिंग्स की बात करें तो पाला स्कूल की पेंटिंग में आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म, आप देख रहे हैं ये पेंटिंग, इसमें बुद्धा जो है ऐसे लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पेंटिंग्स भी रिलेटेड है जैनिज्म से। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि पाला पेंटिंग में आपको इस तरीके के जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो पाला पेंटिंग के बारे में क्या क्या चीज़ें याद रखने वाली है, सबसे पहली बात यह है कि बहुत ही पुरानी ये मिनिएचर पेंटिंग का ट्रेडिशन है। बुद्धिज्म और जैनिज्म का धर्म आपको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आगे तो इसमें एक और चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि इसमें जो नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमरूपा, दीज वेर द इम्पॉर्टेंट लर्निंग इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ पाला स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुगल पेंटिंग के बारे में देखते हैं। किसी को कोई डाउट हो मुगल पेंटिंग के बारे में, अगर हम बात करें, एम आई गोइंग स्लो लाइक पीपल आर सेइंग कि मैं काफी स्लो पढ़ा रहा हूं, शुड आई बी मोर फास्ट लाइक बहुत तेजी से भगाऊं? चलिए ठीक है, अगर इफ यू फील कि मुझे थोड़ा सा तेज पढ़ाना चाहिए आगे, तो आगे आगे पढ़ाते हैं जल्दी से। मुगल पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। तो मुगल पेंटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो मुगल पेंटिंग एक मिनिएचर पेंटिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखने वाली है कि ये पेंटिंग्स का इस्तेमाल इसलिए होता था ताकि एल्बम में इसको सजा के रख सके, ठीक है। तो अनलाइक मुगल, अनलाइक मुराल पेंटिंग जिसका दीवार पे बनाते थे, ये जो पेंटिंग्स है मुगल पेंटिंग्स, इसको जनरली एल्बम में सजाने के काम आती थी, ठीक है। आपने पेंटिंग बनाई और उसको एक बड़ा सा एल्बम लिया और उसमें अलग अलग पेजेस में सेट किया, ठीक है। और एक और खास बात है कि जो मुगल पेंटिंग है वो इंडियन पेंटिंग और जो पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल, ये लगभग दो तीन जो स्टाइल्स हैं उसका आपको एक मिक्सअप, एक हाइब्रिड वर्जन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि मुगल बाहर के थे तो जब वो बाहर से आए तो बाहर का जो आर्ट एंड ट्रेडिशन था उसको भी इंडिया में लेकर आए, ठीक है।
तो जब इंडिया में लेकर आए तो इस वजह से जब इंडिया का कल्चर और इस्लामिक कल्चर और अब देखोगे पर्शियन कल्चर, ये जब तीनों का मिक्स हुआ तो मुगल पेंटिंग बनकर सामने आई, ठीक है। और एक और खास बात है मुगल पेंटिंग के बारे में कि मुगल पेंटिंग थोड़ी सी एरिस्टोक्रेटिक और सेकुलर नेचर की होती है। तो एरिस्टोक्रेटिक और सेकुलर नेचर का मतलब क्या है? एरिस्टोक्रेटिक और सेकुलर नेचर का मतलब ये है कि इसमें रिलीजन के बारे में बात नहीं होती है। मुगल पेंटिंग के बारे में अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो ये चीज़ याद रखना कि इसमें रिलीजन के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता। ज़्यादा फोकस इन पेंटिंग का ज़्यादा फोकस जो राजा की डे टू डे लाइफ है, राजा के दरबार का सीन, राजा के हंटिंग का सीन, जैसे ये वाला जो है जब हंटिंग का सीन है, राजा जब शिकार खेलने गए थे जंगल में तो उसका सीन है। तो इस तरीके की नॉन स्पिरिचुअल बट सेकुलर इन नेचर डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, किसी भी मुगल बादशाह के जो डे टू डे लाइफ है, चाहे उसका दरबार हो चाहे वो शिकार खेलने गया हो, तो इन सब थीम्स को इन मिनिएचर पेंटिंग में दिखाया जाता है जो मुगल स्कूल की पेंटिंग्स होती है, ठीक है। और तूती नामा करके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, मुगल स्कूल से रिलेटेड, तो ये नाम याद रखना, ठीक है। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट जो मुगल पेंटिंग्स है, सबसे पहली बात की अकबर के रेन में, यानी अकबर के शासनकाल में ये पेंटिंग जो है काफ़ी इनको पेट्रोनाइजेशन मिला, अकबर ने काफ़ी इन पेंटिंग्स को सपोर्ट किया। फिर जहांगीर, लेकिन एक और खास बात है कि सबसे हाईएस्ट पीक पे पहुंची जब जहांगीर का शासनकाल था, ठीक है। फिर जहांगीर ने बहुत सारे आर्टिस्ट और को अपने दरबार में शरण दी, उसके जहांगीर का जो दरबार था वहाँ पर बहुत सारे आपको मिनिएचर पेंटिंग के आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे। फिर शाहजहां ने इस पेट्रोनाइजेशन को और आगे बढ़ाया, लेकिन औरंगज़ेब ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया, ठीक है। तो औरंगज़ेब हमेशा ही कुछ अलग ही धुन के मालिक थे, तो औरंगज़ेब ने पूरा जो मुग़ल पेंटिंग है उसके शासनकाल में कोई भी सपोर्ट नहीं मिला और मुग़ल पेंटिंग का डिक्लाइन हो गया, ठीक है। चलिए, तो मुग़ल पेंटिंग के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहली बात तो ये है कि ये मिनिएचर पेंटिंग है और इंडियन और इस्लामिक और पर्शियन का मिक्स है। और सबसे खास बात यह है इस पेंटिंग के बारे में कि ये पेंटिंग सेकुलर नेचर की होती है और एरिस्टोक्रेटिक नेचर की होती है। एरिस्टोक्रेटिक मतलब राजसी, राजा से रिलेटेड, किंग से रिलेटेड, ठीक है। तूतीनामा इसका इंपॉर्टेंट बुक था। और एक चीज़ याद रखने वाली है कि औरंगज़ेब को छोड़ के लगभग सारे मुग़ल बादशाहों ने इसको, इन मुग़ल पेंटिंग्स को पेट्रोनाइज किया था, सपोर्ट किया था। अब बात आती है राजपूत पेंटिंग की। तो राजपूत पेंटिंग 16th to 19th century में हुई थी, यानी कि मुगल पेंटिंग के बाद राजपूत पेंटिंग आई। तो ये चीज़ याद रखना, कई बार टाइमलाइन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो पहले मुगल पेंटिंग आई, उसके बाद राजपूत पेंटिंग आई, ठीक है। फिर अगर हम इनको देखें, इन पेंटिंग्स को, राजपूत पेंटिंग को देखें और मुगल पेंटिंग को कंपेयर करें, तो दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस समझ में आते हैं, ठीक है। पहली बात ये है, इसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पहली बात जो राजपूत पेंटिंग की जो थीम्स है, राजपूत पेंटिंग की थीम्स में आपको जनरली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसकी जो थीम है जनरली वो महाभारत, रामायण और कृष्ण की लीलाओं से रिलेटेड देखने को मिलेंगी। इसमें वैसा नहीं है जैसे मुगल क्या करते थे, मुगल ने कभी भी इस्लामिक किसी पेंटिंग को जगह नहीं दी, हमेशा राजा की जो डे टू डे लाइफ है उससे रिलेटेड पेंटिंग्स और उसकी थीम उन्हीं टॉपिक्स पे बनी होती थी। लेकिन जो राजपूत पेंटिंग है, राजपूत पेंटिंग की थीम आपको जो है ऐसी दिखेंगी जिसमें जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं, जो महाभारत रामायण की जो रिलीजन से संबंधित जो टॉपिक्स हैं वो इसकी बेसिकली थीम में देखने को मिलेगी। और एक और खास डिफरेंस ये है, अगर आप इस पेंटिंग को देखो, इस मुगल पेंटिंग को अगर देखो, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना, अगर आप इस मुगल पेंटिंग को देखो तो ये पर्सपेक्टिव व्यू में दिखाई देगी, ठीक है। यानी कि आपको ये पता चलेगा कि ये आदमी आगे खड़ा है, ये आदमी उससे पीछे खड़ा है, लगभग समझ लीजिए कि एक तरीके से थ्री डायमेंशनल ये पेंटिंग का दिखेगा पूरा हिसाब किताब। लेकिन ठीक उसके अपोजिट अगर राजपूत पेंटिंग को अगर आप देखो तो ये सारे एक ही जगह पे दिखेंगे, इसमें ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि कौन आगे खड़ा है कौन पीछे खड़ा है। तो ये पर्सपेक्टिव व्यू में नहीं होती है, ये एक कीवर्ड है, पर्सपेक्टिव व्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल इंडिया की राजस्थानी स्कूल के बारे में देखते हैं।
तो जो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स थी, ठीक है, वो इंडिया के बहुत ही ट्रेडिशनल पेंटिंग्स मानी जाती हैं, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। इसमें आपको इंडियन एपिक्स जो है, महाभारत, रामायण, ये सब, ये इसकी थीम देखने को मिलती है। और ये पेंटिंग शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली राजस्थानी स्कूल राजपूत पेंटिंग में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। इसकी शुरुआत ये हुई कि जब जो अच्छे आर्टिस्ट नहीं थे, जो मुगल बादशाहों के, जो दरबार के अच्छे आर्टिस्ट नहीं थे, ठीक है, वो राजस्थान माइग्रेट कर गए, ठीक है। जो बचे कुचे थे, जो नालायक आर्टिस्ट थे, दे माइग्रेटेड टू राजस्थान, ठीक है। एंड व्हेन दे माइग्रेटेड टू राजस्थान, यू कैन सी कि एक आर्ट ट्रेडिशन डेवलप हुआ राजस्थान, ठीक है, और उसको हम राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग कहते हैं। तो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग बट नथिंग बट अ मोर लाइक क्रूड फॉर्म ऑफ मुगल पेंटिंग, क्योंकि जो नालायक पेंटर्स थे वो माइग्रेटेड टू राजस्थान एंड दे स्टार्टेड अ न्यू स्कूल ऑफ इंडियन पेंटिंग डेट इज कॉल्ड राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। और इनकी कुछ फीचर्स की बात करें तो पहली बात तो ये है कि इसका जो थीम होता है राजस्थानी पेंटिंग का, दे आर जनरली थीम्स आर जनरली स्पिरिचुअल इन नेचर, यानी कि हमारे धर्म से रिलेटेड महाभारत, रामायण की कहानियाँ देखने को मिलती हैं, और बोल्ड और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्टिंग कलर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट राजपूत पेंटिंग्स है या राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग है, उसके जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे उसका नाम था बूंदी, कोटा, मेवाड़ और जोधपुर, ठीक है। बूंदी, कोटा, मेवाड़ और जोधपुर इसके इम्पोर्टेंट जो है सॉरी इम्पोर्टेंट इसके सेंटर्स थे, ठीक है। और जनरली इसका जो थीम था राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग का, वो माइथोलॉजिकल थीम देखने को मिलता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा राम और वो सीता वाला इंसिडेंस देखने को मिलेगा जब पुल बन रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी आपको कृष्ण और गोपियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जनरली राजस्थानी पेंटिंग का जो थीम है वो माइथोलॉजिकल है। चलिए अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेंटिंग आती है, वो है रागमाला पेंटिंग, ठीक है। तो रागमाला पेंटिंग का मतलब है, रागमाला का मतलब है गार्लैंड ऑफ रागास, ठीक है, राग का हार, इसको बोलते हैं गार्लैंड ऑफ रागा, इसका मतलब रागमाला, ठीक है, रागों की माला। और रागमाला पेंटिंग इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें म्यूजिक को पेंटिंग के रूप में उतारने की कोशिश की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी इस तरीके क्वेश्चन काफ़ी पूछती है, जो जो चीज़ें थोड़ी सी वैसी फैसिनेटिंग होती है उसके ऊपर यूपीएससी कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होती है। तो आप रागमाला पेंटिंग के बारे में सुनोगे तो म्यूजिक को पेंटिंग के रूप में उतारने की कोशिश की जाती है, ठीक है। जैसे इस पेंटिंग को देखिए, इस पेंटिंग को अगर आप देखोगे तो मन में क्या आएगा, क्या विचार आएगा, ऐसा लगेगा कि ये सुबह का सीन है, मॉर्निंग का सीन है, ठीक है, जिसमें दो औरतें बैठ के पूजा कर रही हैं, सुबह हुई है, ठीक है, और वैसा थोड़ा सा सूदिंग सा माहौल है। तो ये जो भोर राग होता है, जो सुबह का राग होता है, जो भजन में इस्तेमाल किया जाता है, उसको पेंटिंग के रूप में उतारने की कोशिश की गई है इन पेंटिंग्स के थ्रू, ठीक है। तो इस पेंटिंग का जो शुरुआत है वो आपकी 16th और 17th सेंचुरी के समय पर हुई थी। और आप देखोगे तो पहाड़ी रागमाला, राजस्थान, राजपूत रागमाला, डेक्कन रागमाला और मुगल रागमाला, तो ये चार पांच उसके वेरिएशन है। तो यानी कि रागमाला का इस्तेमाल, ठीक है, राजस्थानी पेंटिंग में भी है, मुगल पेंटिंग में भी है, ठीक है, और राजपूत पेंटिंग, यानी राजपूत राजस्थान एक ही बात है, तो इन हर जगहों पे इस्तेमाल किया गया है। इवन पहाड़ी पेंटिंग्स में भी रागमाला का इस्तेमाल किया गया है। और पहाड़ी पेंटिंग्स क्या होती है मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। उबैदुर खान, मिस्टर खालिद सर, तूती नामा रिटन बाई डूड, प्लीज़ सर्च इट, तूती नामा किसने लिखा था। हाय उबैदुर खान, विपिन सागर, गोकुल शाह आलम एंड भूपेंद्र चौहान एंड एवरीवन। तो किसी के पास कोई डाउट हो या पूछ सकते हैं। हाय सचिन राव वानखेड़े, थैंक्स फॉर कमिंग। बहुत चट गया ना मैं आप लोगों को। देर वॉज अ हेल स्टॉर्म इन डेली लास्ट नाइट एंड इट वॉज लाइक अ हेल हेयर बिकॉज आई वॉज आउटसाइड एंड इट वॉज लाइक कि कोई आसमान से कोई पत्थर फेंक रहा हो सर के ऊपर।
उस समय समझ में आया कि हेलमेट पहनना क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं बिना हेलमेट के निकल गया था बाइक से, तो उस समय मुझे लगा कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है। आज हेलमेट पहनी होती तो शायद मैं इस पत्थरों से बच गया होता। खैर एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं यार, थका नहीं हूँ मैं, बस आई वॉज जस्ट पॉजिंग ताकि आप लोग भी थोड़ी सी रेस्ट ले लो, ठीक है? क्योंकि ऐसे लगातार ऐसा लग रहा हो कि मैं बस बोले जा रहा हूँ। किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? या कोई फीडबैक है, मैं ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ा सा तेज पढ़ाऊँ, ज़्यादा भगा भगा के, क्योंकि बेसिकली क्या है कि दिस इज़ नॉट अ ब्रिक एंड मोर्टार क्लास, ठीक है? जो नॉर्मल टीचर होते हैं ब्रिक एंड मोर्टार के, उनको पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है। आई बीइंग एन ऑनलाइन एजुकेटर, मैं आपसे कभी मिला नहीं, तो मुझे आपका लेवल नहीं पता है कि आपने पहले पढ़ाई करी है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है नहीं पता है, तो मुझे पता नहीं है कि मुझे किस स्पीड में चलना चाहिए, ठीक है? तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर फीडबैक। अगर आप बोलोगे तेज भगाना है, अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत पता है तो मैं तेज पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं जनरली ये प्रिज्यूम करता हूँ कि किसी को कुछ नहीं आता, सब लोग पहली बार इन पेंटिंग्स के बारे में जानते सुन रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए काफ़ी मैं धीरे, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा तेज पढ़ाऊँ, तो आई डोंट नो कि वेदर दैट विल बी द राइट थिंग टू डू और नॉट, बिकॉज दे आर मेनी पीपल हु आर स्टडिंग, हु आर अटेंडिंग दिस क्लास आर नॉट अवेयर ऑफ दीज टॉपिक्स एट ऑल, दे आर लाइक हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ। तो खैर, तो जनरली मैं वैसे ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए, ज़्यादा भगाने की कोशिश नहीं करता। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग की, ठीक है? कोई बात नहीं, इस तरह डेरिंग आई डोंट नो, सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट, बेनुराम सिन्हा गुड इवनिंग, उबैदूर खान, वर्षा सिंघा कूल सर गो लाइक दिस वे ओनली, ओके थैंक्स, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्ट एंड कल्चर की अच्छी किताब, सौरव मिस्त्री इज आस्किंग आर्ट एंड कल्चर के लिए अच्छी बुक। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर अच्छी बुक की बात करेंगे तो पहली बात तो ये है कि 11th क्लास की NCERT पढ़ना, जो फाइन आर्ट्स की बुक है। हालांकि मेरी प्रोफाइल पे वो पूरा मैंने कवर कर दिया है, ठीक है? वो पूरा, उसके ऊपर एक कोर्स है जिसमें वो पूरा 11th क्लास की NCERT कवर्ड है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। टू स्टार्ट, जो TMH की एक बुक आती है नितिन सिंघानिया की, वो एक अच्छी बुक है, ठीक है? तो वो जरूर देखना और बाकी NCERT पढ़ना। स्टार्ट विथ नितिन सिंघानिया बुक एंड आफ्टर व्हेन यू आर डन विथ इट देन यू कैन गो फॉर NCERT एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो नितिन सिंघानिया बहुत ऐसे देखने में मोटी लगेगी, लेकिन काफ़ी सिंपल वर्ड्स में बहुत सारे फोटोग्राफ का इस्तेमाल करके वो बुक लिखी गई है, एंड डेट इज़ रियली नाइस बुक, ठीक है? तो उसको देखना, उससे बोर नहीं होगे। स्पेक्ट्रम मत पढ़ना, स्पेक्ट्रम बहुत बोरिंग है और कुछ समझ में नहीं आता, तो प्लीज डोंट रीड आर्ट एंड कल्चर का स्पेक्ट्रम, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ठीक है? आई थिंक नितिन सिंघानिया की बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, रक्षा राजपूत, इंग्लिश में तो है ही, हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है? गुड इवनिंग विकास कुमार, सॉरी डूड यू आर लेट, बट आप इसका क्लास को बाद में भी अटेंड कर सकते हो, इसका लाइव रिकॉर्डिंग आपको मिले, मतलब इसकी, इस टेलीकास्ट की, इस ब्रॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, तो आप देख लेना वहाँ से, ठीक है? तो नितिन सिंघानिया की बुक इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर पढ़ना, ठीक है? आई एम, मुझे कोई पैसा अलग से नहीं मिल रहा उस बुक को प्रमोट करने के लिए, बट बीइंग अ फेलो एस्पिरेंट दैट्स माय पर्सनल लाइक फर्स्ट चॉइस। फिर उसके बाद NCERT की जो बुक है उसमें इधर उधर आर्ट एंड कल्चर फैला हुआ है, उसको भी आप पढ़ सकते हो, और बाकी मेरा कोर्स तो है ही, मेरी प्रोफाइल पर जाना तो आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका मिल जाएगी, ठीक है? तो ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी प्रोफाइल पर 3-4 जो कोर्सेज हैं, ठीक है, वो आप उसको सब्सक्राइब कर लो और सारे लेक्चर्स को देखते रहो और उन लेक्चर्स को भी फॉलो कर लो, जो उसमें मैं नए नए लेक्चर्स डालता रहूँगा, तो आपकी आर्ट एंड कल्चर की प्रिपरेशन पूरी होती रहेगी,
ठीक है, क्योंकि बुक पढ़ने से कई बार चीजें क्लियर नहीं होती, लेकिन अगर आप उसके लेक्चर्स देख लो तो वो चीजें दिमाग में रिटेन रहती है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप लेक्चर देखते रहो, बुक्स ना पढ़ो, पहले लेक्चर्स देखो, ठीक है, तो लेक्चर से थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है, फिर उसके बाद बुक पढ़ो तो चीजें आपकी कंसोलिडेट हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि मैंने पेंटिंग के ऊपर आपको लेक्चर बता दिया और आपको हो गया, पेंटिंग आपको आ गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस लेक्चर को देखना, लेकिन पेंटिंग के ऊपर एक अच्छी बुक जो शायद नितिन सिंघानिया में पेंटिंग्स को कवर किया है, तो वो भी साथ साथ में पढ़ना, तब जाके आपको कवर हो पाएगा, तब आपको अच्छे से याद रहेगी, ठीक है। सिर्फ लेक्चर देख लिया उससे चीज़ें याद नहीं होंगी, या सिर्फ नितिन सिंघानिया पढ़ लिया तो उससे चीज़ें याद नहीं होंगी, दोनों ही करने पड़ेंगे आपको, लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे और बुक भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मेमोरी इसी तरीके से काम करती है, ठीक है। सिर्फ चीज़ें अगर पढ़ी हो तो याद नहीं रहती, अगर किसी ने कोई चीज़ कभी बोली हो फिर हमने पढ़ी हो तो चीज़ें थोड़ी सी याद हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हमेशा एक थंब रूल ये माना जाता है कि जो टीचर पढ़ाने वाला है अगली क्लास में, उसको एक दिन पहले से पढ़ के जाए, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम उस चीज़ को थोड़ा सा पढ़े रहते हैं, ठीक है, और टीचर पढ़ाता है तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। या तो टीचर पढ़ाते फिर उसके बाद भी हम अगर पढ़ लें तो बहुत अच्छे से समझ में आती है। ये भी लोग कहते हैं कि जैसे ही जिस दिन की क्लास हो टीचर ने पढ़ाया उसको घर जाके उसको रिवाइज कर लो उसी दिन, तो चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती, ठीक है। तो इस तरीके से करना चाहिए, ऑडियो विजुअल भी इम्पॉर्टेंट है और बुक रीडिंग भी इम्पॉर्टेंट है, तब जाके हमारे दिमाग में कोई चीज़ बैठ पाती है, ठीक है। चलिए तो पहाड़ी स्कूल के बारे में देखते हैं। तो पहाड़ी स्कूल ऑफ इंडिया पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग है। अभी मैं जितनी भी पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस की है, ठीक है, चाहे वो राजस्थानी पेंटिंग हो, मुगल पेंटिंग हो, चाहे आपकी राजपूत पेंटिंग हो, राजपूत और राजस्थानी एक ही जैसी हैं, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, चाहे पहाड़ी पेंटिंग हो, ये सारी मिनिएचर पेंटिंग्स है, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत करना। तो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग की अगर हम बात करें तो पहाड़ के जो एरियाज हैं, चाहे कश्मीर हो, उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो, यहाँ पर ये पेंटिंग्स डेवलप हुई थी, इसलिए इनको पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग कहा जाता है। स्पेशली जम्मू की बात करें, ठीक है, जम्मू में हो गया आपका गढ़वाल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये पेंटिंग जो है फेमस हुई थी। और ये पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग के पीछे एक रीज़न है कि पहाड़ी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न ये है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में कि ये शुरुआत कैसे हुई। तो शुरुआत ये हुई कि जब नादिर शाह वॉज एन अटैकर, ठीक है, तो अक्सर वो हिंदुस्तान पे हमला करके और बहुत सारा लूटपाट और लोगों को मारना काटना चलता रहता था, तो जो आर्टिस्ट थे वो डर गए, उनको लगा कि वो अगर दिल्ली में रहेंगे या प्लेन्स में रहेंगे तो उनकी जान माल को खतरा है, तो कुछ लोग पहाड़ों में भाग गए, ठीक है। तो जो कुछ मुगल आर्टिस्ट थे जो अभी तक मुगल पेंटिंग बनाते थे वो भाग के पहाड़ों में चले गए, ठीक है, तो वहां से पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग का जन्म हुआ। तो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग मुगल पेंटिंग से ही आई है, जैसे राजस्थानी पेंटिंग है, कुछ लोग जो मुगलों की दरबार के जो थोड़े से नाकारे और मतलब समझे यूजलेस पेंटर्स थे वो राजस्थान चले गए, तो उन्होंने राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप करी। कुछ लोग नादिर शाह के डर से पहाड़ों पे भाग गए मुगलों के पेंटर्स, तो उन्होंने पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप करी, ठीक है। तो ये इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग वजह है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो पेंटिंग्स है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग है पहाड़ी पेंटिंग में, पहली बात आती है बाशोली पेंटिंग, ठीक है। तो बाशोली एक एरिया है, वहां से इसका नाम पड़ा बाशोली पेंटिंग। ये 17th-18th सेंचुरी की ये पेंटिंग है, ठीक है, ठीक है, 17th-18th सेंचुरी की ये पेंटिंग है, और ये एक तरीके की मिनिएचर पेंटिंग है, जैसे मैंने आपको बताया था ये मिनिएचर पेंटिंग है। और जनरली बाशोली पेंटिंग के बारे में हम बात करें तो जनरली इसकी थीम कृष्ण की जो लीलाएं हैं, ठीक है, गोपियों के साथ जो कृष्ण रोमांस करते थे, उस रोमांस को, कृष्ण से रिलेटेड जो बचपन की जो लाइफ स्टाइल है, जो उनका बचपना था, जो नटखटपना था, उन इवेंट्स को, उन माइथोलॉजिकल स्टोरीज को इन पेंटिंग के थ्रू डिपिक्ट करने की कोशिश की गई, ठीक है। और जो सबसे पॉपुलर टेक्स्ट था, जो जिसने बाशोली पेंटिंग
कि मैक्सिमम थीम का काम किया, दैट वॉज द रास मंजरी रिटन बाई भानुदत्त. तो रास मंजरी वॉज अ बुक दैट वॉज रिटन, बहुत फेमस बुक है, इसका नाम याद रखिएगा, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं. तो रासमंजरी वॉज रिटन बाई भानुदत्त, और रासमंजरी बुक ने, रासमंजरी बुक की जो थीम थी वो कृष्णा की लाइफ से रिलेटेड थी, कृष्ण लीला से रिलेटेड थी. तो उस बुक में जो भी इवेंट्स लिखे हुए उसको इस पेंटिंग में बहुत ज्यादा यूज किया गया है. तो अगर हम कहें कि बासोली पेंटिंग की जो थीम है वो रासमंजरी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड मानी जाती है, ठीक है. और इसकी अगर हम देखें, अगर हम जो इसके फीचर्स की बात करें, बासोली पेंटिंग के फीचर्स की बात करें, तो बहुत ही वाइटल कलर का इस्तेमाल किया गया, रेड कलर का काफ़ी ज़्यादा इसमें इस्तेमाल हुआ है. आप देखोगे इस पेंटिंग में तो रेड कलर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को आपको मिलेगा, ठीक है. और इसके जो बॉर्डर्स है वो भी रेड कलर की देखने को मिलेगी, ठीक है. चलिए फिर दूसरी आती है कांगड़ा पेंटिंग, ये भी पहाड़ी पेंटिंग ही है. तो बासोली हो गया, कांगड़ा, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि एनसीईआरटी में इन दोनों का उल्लेख है, ठीक है. और ये दोनों जो इमेज मैंने उठाई है, स्पेशली ये जो कांगड़ा पेंटिंग वाली इमेज है, ये एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है. कांगड़ा भी पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है और ये वैष्णवाइट सेट से, ज्यादा डिफरेंस नहीं है बासोली में और कांगड़ा में, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थीम सेम है. दोनों में ही कृष्ण की लाइफ से रिलेटेड चीजें दिखाई जाती हैं, लेकिन कलर का जो इस्तेमाल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है. जैसे कि जो कांगड़ा पेंटिंग है उसमें कूल ब्लू और ग्रीन कलर ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, ज्यादा कूल ब्लू और ग्रीन कलर देखने को मिलता है. ठीक अपोजिट बासोली पेंटिंग में, बासोली में रेड कलर ज्यादा देखने को मिलता है, इसमें ज्यादा कूल ब्लू कलर देखने को मिलते हैं, ठीक है. एंड दिस इज अ वेरी लाइक दिस इज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ कांगड़ा पेंटिंग. अ लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स, ठीक है, थीम्स को एज अ संगीत के रूप में, एज अ गीत के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है. जनरली आप जितनी भी कांगड़ा पेंटिंग की थीम्स को देखोगे तो वो थोड़ी सी म्यूजिकल, थोड़ी सी आर्टिस्टिक देखने को मिलती है. इसमें आप देख सकते हो कि कृष्ण बैठे हुए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, दो गोपियां बैठी हुई हैं, ठीक है. चलिए तो इतना डिटेल में नहीं याद रखने की जरूरत है, बस थोड़ा सा थीम याद रखिए कि थीम इसकी वैष्णवाइट सेट कृष्ण लीला से रिलेटेड थी और कांगड़ा पेंटिंग एक पहाड़ी पेंटिंग है और मिनिएचर पेंटिंग भी है, ठीक है. कुछ लोग पूछ रहे हैं कि वो लोग पहला सुजाता गुप्ता, रस मीन्स लीला, नहीं, रस मीन्स लीला नहीं होता है, रस मतलब होता है उस गाने की थीम, ठीक है. कोई गाने होते हैं वीर रस से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि शादियों में अक्सर बजता है, आपने सुना होगा, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का. मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये गाना शादियों में क्यों बजता है, ऐसा लग रहा हो कि कोई शहीद होने जा रहा हो, ठीक है, दूल्हा घोड़े पे बैठ के शहीद होने के लिए जा रहा है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, और हर शादी में ये गाना बजता है. ये वीर रस की कविता है, ठीक है. और श्रृंगार रस, वैसे मुझे सारे रस के बारे में नहीं पता है, वीर रस पता है. श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस में क्या होता है कि आप लड़की की तारीफ करते हैं, ठीक है, उसको पटाने के लिए, उसकी उसको जो है उसको लपेटने के लिए, ठीक है, बेसिकली उसको लपेटने के लिए उसकी तारीफ करते हैं. जैसे कि ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, मतलब कुछ भी नहीं किया, कोई मेकअप वेकअप नहीं है, फिर भी बहुत सुंदर हो जाए. तो दिस इज श्रृंगार रस, जिसमें आप लड़की की तारीफ करते ताकि वो पट जाए, ठीक है, आपके अंटे में आ जाए. खैर एनीवेज, तो ये हो गया रस. तो रस का मतलब है, रस का मतलब है जो थीम है गाने की, जो उस गाने को सुन के जो आप उसे, जो उसका एसेंस है उसको कहते हैं रस, ठीक है. ठीक है, तो ये हो गया प्रेम रस, मैंने बताया श्रृंगार रस बोलते हैं उसको, श्रृंगार रस हो गया और वीर रस हो गया. वैसे और भी दो तीन रस होते हैं, मुझे अभी क्लिक नहीं कर रहा.
चलिए, बहुत पुरानी बात हो गई, पढ़े हुए सारे रस और ये सारी चीज़ें। तो कुछ और पहाड़ी पेंटिंग्स के बारे में अगर हम देखें तो कुल्लू और गुलेर पेंटिंग। कुल्लू हिमाचल प्रदेश का एरिया है और गुलेर पेंटिंग जम्मू जम्मू कश्मीर का एरिया है। तो पहाड़ी पेंटिंग में चार नाम याद रखना, पहला कांगड़ा पेंटिंग, ठीक है, दूसरा आप मैक्लोडगंज जाओगे तो कांगड़ा बीच में पड़ता है, कभी मैक्लोडगंज गए हो तो कांगड़ा पड़ता है, अगर नहीं गए हो तो जरूर जाना, मैक्लोडगंज में अच्छी जगह है, वहाँ पे एक ट्रैक भी है ट्रायन ट्रैक, तो कभी प्रीलिम्स या मेंस दे के टाइम मिले तो मैक्लोडगंज जाना, वहाँ पे दलाई लामा का वो भी है, मठ भी है, वहाँ पे आप दलाई लामा से भी मिल सकते हो। और मैक्लोडगंज में एक बहुत अच्छा ट्रैक है ट्रायन ट्रैक, 4-5 घंटे का ट्रैक है, आप जरूर जाना। सॉरी, तो जब आप जाओगे तो कांगड़ा पड़ेगा, फिर बासोली भी हिमाचल प्रदेश, बासोली भी पहाड़ी पेंटिंग है, उसके अलावा कुल्लू और गुले ये भी पहाड़ी पेंटिंग के अंदर आता है, और ये सारे मिनिएचर पेंटिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, वात्सल्य रस। हाँ, वात्सल्य रस का मतलब होता है जो प्रेम, जो ममता वाला प्रेम होता है उसको वात्सल्य प्रेम कहते हैं। ठीक है, जो प्रेम माँ अपने बेटे से करती है, जो बाप अपने बेटे से करता है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्क्रॉल पेंटिंग के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो स्क्रॉल पेंटिंग, स्क्रॉल पेंटिंग को पटुआ भी कहते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये स्क्रॉल पेंटिंग होती क्या है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो स्क्रॉल पेंटिंग बेसिकली ये ऐसी लंबी सी जो है, एक लंबा सा कपड़ा लेते हैं, उसको सिलते हैं एक साथ, ठीक है, एक के साथ सिलते जाते हैं, एक बहुत लंबा कर देते हैं उसको, और उसमें ऐसे अलग अलग पेंटिंग्स बनाते जाते हैं। तो जैसे फिल्म होती है, फिल्म की रील देखी है आपने कि उसमें अलग अलग सीन्स होते हैं और वो रील घूमती रहती है और हमें पूरी मूवी चलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो सेम वही कंसेप्ट यहां भी इस्तेमाल किया गया कि एक लंबा, एक कपड़े लिए, कपड़ों को सिल सिल के एक लंबी सी रील बनाई और उस पर पेंटिंग करी, ठीक है, उस पर अलग अलग जो सीन है उसको पेंट कर दिए। और फिर जो जो पटुआ के आर्टिस्ट होते हैं, यानी जो पेंटिंग के आर्टिस्ट होते हैं, वो गांव गांव में घूम के बच्चों को या बड़ों को ये कहानियों, ये पेंटिंग के थ्रू एक स्टोरी बताते जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि अगर थीम है कि द्रौपदी का चीरहरण, ठीक है, द्रौपदी का चीरहरण होना है तो पहले सीन क्या होगा, पहले सीन होगा कि लोग जुआ खेल रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा सीन होगा कि वो जुए में पांडव हार गए हैं, कौरव जीत गए हैं, फिर तीसरा सीन होगा द्रौपदी के चीरहरण का, चौथा सीन होगा कि जब चीरहरण हो रहा है, दुशासन साड़ी खींच रहा है तो विश तो कृष्ण आके साइड से जो कपड़ा भी दे रहे हैं, उनके हाथ से कपड़ा निकल रहा है ऐसे साड़ी, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस पूरे इवेंट को स्क्रॉल पेंटिंग के थ्रू दिखाने की ये पटुआ आर्टिस्ट कोशिश करते हैं। और ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वेस्ट बंगाल की पेंटिंग है, ठीक है, पटुआ कम्युनिटी, ये वेस्ट बंगाल की पेंटिंग है, और हिंदू मुस्लिम और बुद्धिस्ट सारे इन पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इस पेंटिंग के थ्रू जो इम्पॉर्टेंट और फेमस कहानियां हैं, जो इवेंट्स हैं, उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि कपड़ों को सिल के एक बड़ी सी रील बनाई जाती है, उस पर यह पेंटिंग उकेरी जाती है। अब बात आती है कालीघाट पेंटिंग की, तो कालीघाट भी एनसीईआरटी में मेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पटुआ पेंटिंग और कालीघाट पेंटिंग, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया है, और मैंने इसीलिए जैसे का तैसा स्क्रीनशॉट लेके डाला है, क्योंकि बहुत ही डिटेल में समझाया है, सेम चीज़ को मैं कॉपी करके समझाऊँ तो कोई चीज़ मिस हो जाएगी, तो इसलिए मैंने सेम एनसीईआरटी के उस पेज का जहाँ पे कालीघाट पेंटिंग को दिखाया गया है उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो इन पेंटिंग्स को देखोगे तो ये भी वेस्ट बंगाल की पेंटिंग है, ठीक है, और ये भी एक तरीके से देखोगे तो स्क्रॉल पेंटिंग ही है, यानी पटुआ पेंटिंग ही है कालीघाट पेंटिंग, यानी उसको भी ऐसे कपड़ों पे स्टोरीज को डिपिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसमें इसकी जो जनरली थीम देखोगे कालीघाट पेंटिंग की, ठीक है, तो आपको स्पिरिचुअल थीम यानी माइथोलॉजिकल थीम देखने को मिलेगी। तो ये जो पेंटिंग है, ये हनुमान और जामुन के बीच में जो लड़ाई है उसको दिखाने दर्शाती है, ठीक है। और एक और खास बात है कि इसमें रियलिस्टिक जो इमेजेस नहीं बनाई जाती कालीघाट पेंटिंग में। आप देखोगे कि इस पेंटिंग को देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन आदमी है, कौन बंदर है, कौन क्या है, बहुत ही कम डिटेलिंग का इस्तेमाल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ऐप्स वैप दिखा रहे,
यहाँ पे एब्स वैब्स नहीं दिखेंगे, पैर की ऐसे मसल्स नहीं दिखेगी। बहुत ही फ्लैट पेंटिंग्स का इस्तेमाल होता है कालीघाट पेंटिंग में। पेड़ को भी देखें कितने सिंपल तरीके से ऐसे दिखा दिया गया, ठीक है। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसे पेड़ है और उसकी ऐसे सारी चीज़ें, उसके बार्क वार्क और बहुत सारी डिटेलिंग या पत्तियों को दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये रियलिस्टिक पेंटिंग नहीं होती है, ठीक है। और बोल्ड और नॉन रियलिस्टिक स्टाइल का इस्तेमाल होता है। और स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल थीम के अलावा कुछ सोशल सटायर की भी इसकी थीम होती है कालीघाट पेंटिंग में। अब जैसे ये पेंटिंग है, ये सोशल सटायर के ऊपर बेस्ड है। ये जो आदमी बैठा है ये क्या दिखाता है कि कैसे एक नॉर्मल हिंदुस्तानी अंग्रेजों की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को नवाब बनने की कोशिश कर रहा है। एक तरीके के का ये सोशल सटायर है, ठीक है। एक तरीके का व्यंग है उन लोगों के ऊपर जो अंग्रेजों की लाइफस्टाइल को, जो हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी अंग्रेजों की लाइफस्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वेस्टर्न हैबिट्स को, और ड्रेसिंग लाइक साहेब, स्मोकिंग सिगरेट एंड सिटिंग ऑन अ चेयर, ठीक है। लाइक इट इज अ मेकिंग फन ऑफ वेस्टर्नाइज्ड बाबूज। तो इतना डिटेल में नहीं याद करने की जरूरत है, बस ये याद रखिए कि कालीघाट पेंटिंग का इस्तेमाल एक सटायरिकल थीम के ऊपर भी होता है, जो सोशल लाइफ में जो लोग नकल करने की कोशिश करते हैं, जो लोग जो है कुछ हैं लेकिन कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको उनके ऊपर एक व्यंग है, एक करारा तमाचा है, ठीक है। चलिए फाड़ पेंटिंग के बारे में देखते हैं। तो फाड़ पेंटिंग भीलवाड़ा और राजस्थान की पेंटिंग है, ठीक है। ये भी एक तरीके की स्क्रॉल पेंटिंग ही है। तो फाड़ पेंटिंग के बारे में याद रखना कि ये राजस्थान की पेंटिंग है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राजस्थान की पेंटिंग है, ये याद रखेंगे। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये भी एक तरीके की स्क्रॉल पेंटिंग है, फाड़ पेंटिंग। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी जो जो थीम होती है वो जनरली एपिक्स है, यानी कि महाभारत और रामायण की थीम्स होती हैं इसमें, ठीक है। और जो भोपाज होते हैं, भोपाज आर द लोकल जो पंडित होते हैं, उनको भोपा कहा जाता है राजस्थान में। और ये एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम के गाँव में इन पेंटिंग्स के थ्रू लोगों को प्रवचन देते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं राम की, रामायण की, सीता की, पांडवों की, कौरवों की, महाभारत की, विष्णु की, कृष्ण की, ठीक है। चलिए अब कलमकारी पेंटिंग, ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, आई थिंक 2015 में या 15 या 16 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कलमकारी पेंटिंग। तो कलमकारी पेंटिंग का मतलब है कलम से की जाने वाली पेंटिंग, ठीक है। इसको कहते हैं कलमकारी पेंटिंग। आंध्र प्रदेश में ये पेंटिंग शुरू हुई थी, यानी कि ये आंध्र प्रदेश की पेंटिंग है। और कलम का इस्तेमाल करके कपड़े के ऊपर ये पेंटिंग की जाती है, ठीक है। इसमें रामायण महाभारत, इसका भी थीम वही है, रामायण महाभारत पुराण। हिंदू धर्म में और देवी देवताओं के अलावा कुछ है भी तो नहीं, हमने आज तक कुछ किया भी तो नहीं है, ठीक है। कुछ बड़ा काम किया हो, कुछ सैटेलाइट बनाई हो, हवाई जहाज बनाए हो, या तो वैसी अगर कोई कहानी हो इंटरेस्टिंग तो उसको कोई सुनाए भी। हमने तो सब कुछ भगवानों को ही मानते रहते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते रहते हैं। खैर चलिए इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, थीम पे आते हैं आज के टॉपिक पे। तो इसका जो थीम है बेसिकली रामायण महाभारत और पुराण देखने को मिलेंगे, और आप देख सकते हो कि काफ़ी इंट्रिकेट डिटेलिंग होती है। बाकी जो आप नॉर्मल पेंटिंग्स देखोगे तो उसमें इतनी डिटेलिंग नहीं होती, क्योंकि उसमें पेन का इस्तेमाल नहीं होता है, कलम का इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें ब्रश का इस्तेमाल होता है बाकी पेंटिंग्स में, ठीक है, ब्रश का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जब चूंकि ब्रश का इस्तेमाल होता है तो इतनी फाइन डिटेलिंग नहीं हो सकती, लेकिन कलमकारी पेंटिंग में चूंकि कलम का इस्तेमाल होता है, ठीक है, कलम का इस्तेमाल होने की वजह से, ठीक है, इसमें काफ़ी फाइन डिटेलिंग देखने को मिलती है इन पेंटिंग्स में। फिर आता है उड़ीसा का पटचित्र। तो उड़ीसा का पटचित्र, ये पटचित्र कालीघाट पट्स के बारे में भी, मतलब कालीघाट पट को पटचित्र भी कहते हैं, ये उड़ीसा की पेंटिंग है, ये याद रखना, ठीक है। और सॉरी ये कॉपी हो गया है, ये पिछली स्लाइड का ये कॉपी हो गया। पटचित्र ऐसे नहीं होते, ये कलमकारी पेंटिंग का एग्जाम्पल है। इसमें उड़ीसा के पटचित्र के बारे में याद रखना कि ये भी एक तरीके की स्क्रॉल पेंटिंग है, ठीक है, और उड़ीसा में होती है। बाकी इसका थीम वही हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस है, ठीक है। चलिए अब एमसीक्यू देख लेते हैं थोड़ा सा अब बीच में, ताकि आपकी नॉलेज का जो है एक बार टेस्टिंग भी हो जाए। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका सही जवाब आप बताना, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है।
बाबजी एनसोम, कोई बात नहीं बाबजी, बाबजी एनसोन, इवन इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट आई कैन हेल्प यू आउट, डोंट वरी अबाउट इट. सौरभ मिस्त्री, यू आर आस्किंग डिफरेंस बिटवीन कालीघाट एंड पटुआ पेंटिंग, राइट? तो पटुआ पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग और पटुआ पेंटिंग दोनों ही वेस्ट बंगाल की पेंटिंग है, ठीक है. पटुआ पेंटिंग कोई अलग से पेंटिंग नहीं है. जो भी स्क्रॉल पेंटिंग होती है वेस्ट बंगाल में यूज की जाने वाली हर स्क्रॉल पेंटिंग को हम पटुआ पेंटिंग कहते हैं. पटुआ मतलब पट पे की जाने वाली, यानी कपड़े का जो पट है, ठीक है, उस पे की जाने वाली पेंटिंग को पटुआ बोलते हैं, ठीक है. ओके, चलिए अब एमसीक्यू देख लेते हैं. तो एमसीक्यू मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका सही जवाब आप लिखते रहना, ओके. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्रॉल पेंटिंग, बहुत आसान है. बाशोरी पेंटिंग, पटुआ पेंटिंग, कांगड़ा और मुगल पेंटिंग. तो इसका आसान सा जवाब है, क्योंकि मैंने अभी बताया है, पटुआ पेंटिंग इज अ स्क्रॉल पेंटिंग, बाशोरी पेंटिंग इज अ मिनिएचर पेंटिंग बट नॉट अ स्क्रॉल पेंटिंग, ठीक है. मुगल पेंटिंग भी जो है स्क्रॉल पेंटिंग नहीं होती है. कांगड़ा पेंटिंग पहाड़ी पेंटिंग आती है, ये भी स्क्रॉल पेंटिंग नहीं है. बाशोली पेंटिंग भी पहाड़ी पेंटिंग है, लेकिन ये भी स्क्रॉल पेंटिंग नहीं है. बस जो पटुआ पेंटिंग है जिसको हम स्क्रॉल पेंटिंग कहते हैं, और वेस्ट बंगाल में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है. चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है, कि मुराल्स आर लार्ज साइज पेंटिंग डन ऑन द वेट प्लास्टर्स ऑफ वॉल, ठीक है, कि मुराल बड़े साइज की पेंटिंग होती हैं जिनको गीली प्लास्टर पे उकेरा जाता है. और दूसरा सवाल है कि फ्रेस्कोज लार्ज साइज पेंटिंग होती है जिनको सूखी दीवारों पे बनाया जाता है. तो कौन सा जवाब सही है जल्दी से बताइए. इसका सही जवाब बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूं. जल्दी जल्दी जल्दी. तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, ठीक है. सॉरी सचिन राव वानखेड़े, यू आर रॉन्ग. सौरभ मिस्त्री, यू आर ऑल्सो रॉन्ग. एंड अनुष्ठा तिवारी, यू आर ऑल्सो रॉन्ग. मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस मुराल पेंटिंग में और फ्रेस्को पेंटिंग में. फ्रेस्को पेंटिंग गीली दीवारों पर की जाती है. ये दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन अपोजिट है, यानी कि यहां पे फ्रेस्कोस होना चाहिए, मुराल नीचे होना चाहिए, ओके. फ्रेस्को पेंटिंग गीली दीवारों पे की जाने वाली पेंटिंग है. दोनों ही दीवारों पे की जाती है, फ्रेस्को पेंटिंग या मुराल, दोनों को ही दीवारों पे किया जाता है. लेकिन जो फ्रेस्को पेंटिंग है वो गीली वेट प्लास्टर के ऊपर ये पेंटिंग होती है, ठीक है. वेट प्लास्टर के ऊपर अगर आपने पेंट कर दिया तो जब प्लास्टर सूखेगा तो पेंटिंग परमानेंट हो जाएगी, ठीक है. तो इसलिए फ्रेस्कोस को वेट प्लास्टर पे किया जाता है. लेकिन जो मुराल पेंटिंग होती है वो ड्राई वॉल्स पे होती है. आप देखोगे कि जो केव पेंटिंग है स्पेशली, चाहे अजंता हो, एलोरा हो, चाहे आप जो केव पेंटिंग है बाकी भीमबेटका की, तो अब केव है, पत्थर है, पत्थर के ऊपर आप गीला पत्थर कैसे करोगे? पत्थर को तो गीला नहीं कर सकते. तो मुराल पेंटिंग ड्राई वॉल्स पे होती है, ठीक है. और फ्रेस्को पेंटिंग, फ्रेश फ्रेस्को, फ्रेस्को मतलब फ्रेश, ऐसा याद रख लो. आई डोंट नो फ्रेस्को मतलब क्या होता है, बट फ्रेस्को मतलब फ्रेश वॉल, यानी कि गीली वॉल. वेट प्लास्टर जो अभी अभी नई नई दीवार बनी है जिसका अभी सीमेंट उसके ऊपर गीला है, उसके ऊपर वो पेंटिंग की जाती है, ठीक है. मुराल ड्राई वॉल्स पे होती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें से बताना है मुगल और राजपूत पेंटिंग के बारे में सवाल है, इसमें से बताना है कौन सा सही है. ठीक है,
तो राजपूत पेंटिंग के बारे में और मुगल पेंटिंग के बारे में कौन सा सही है? तो थीम ऑफ राजपूत पेंटिंग आर जनरली सेकुलर इन नेचर, ठीक है, और मुगल पेंटिंग का जो थीम है वो रिलीजियस और नेचुरलिस्टिक होता है। ये दो स्टेटमेंट है, हमें बताना है ए बी सी डी में से कौन सा सही है। जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। दो चार मिनट और बचते हैं, क्लास खत्म कर देंगे हम, ठीक है। एंड बिफोर एंडिंग अप दिस क्लास, तीन सवाल हैं, इसके बाद दो सवाल और बचते हैं, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। लेकिन जल्दी जल्दी बताओ ताकि मैं क्लास जल्दी से रैप अप कर सकूं। एनीवन, कोई सही जवाब बताए, क्या वो सब टाइम टाइम सब सो रहे थे क्या जब मैं क्लास ले रहा था? दिस इज नॉट डन। बस दो लोगों का सही जवाब आया है, एक है जिसका जिसका डी है वो सही है, ठीक है, यानी कि दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो गलत है। राजपूत पेंटिंग की थीम रिलीजियस नेचर की होती थी। आप लोग थोड़ा सा, जब भी मैं बताऊं, ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा था तो बहुत लोग कह रहे थे जल्दी जल्दी पढ़ाओ, ठीक है, इतना धीरे पढ़ाने के बावजूद भी ये छोटी छोटी चीजें आप मिस कर जाते हो, तो मैं तेज पढ़ाने का क्या फायदा है? ये बहुत ही, इसको मैंने 10 बार बताया होगा कम से कम, लेकिन देखोगे कि मतलब 10% लोगों ने भी सही जवाब नहीं दिया इसका। दिस इज नॉट राइट। क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, ठीक है। एनीवेज, चलिए, तो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जो मुगल पेंटिंग्स होती है, मैंने 10 बार बताया था, 4 बार मतलब कम से कम 4 बार तो रिपीट किया ही होगा, जो मुगल पेंटिंग है उसकी थीम आपको सेकुलर देखने को मिलेगी। मैंने क्या बोला था, एरिस्टोक्रेटिक एंड सेकुलर, ठीक है, सेकुलर थीम्स देखने को मिलेंगी, जिसमें राजा के दरबार की कोई स्टोरी या राजा के हंटिंग का कोई सीन, ये सब चीजें देखने को मिलती है मुगल पेंटिंग। ये मुगल पेंटिंग का एग्जाम्पल है। और जो राजपूत पेंटिंग वो जनरली स्पिरिचुअल पेंटिंग्स होती है, इसमें आपको रिलीजन से रिलेटेड थीम्स ज़्यादा देखने को मिलेगी। इंडिया की जो मैथोलॉजी है, रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, इसकी थीम्स आपको राजपूत पेंटिंग में देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में सही है? तो पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग मुराल पेंटिंग का एग्जाम्पल है, और इसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म रिलीजन की थीम्स देखने को मिलती है। चलिए, चौथे सवाल का बताते हैं सही जवाब क्या है। जल्दी बताइए, अपना आंसर दीजिए, सही गलत जो भी हो। चलिए, मैं सही इसका जवाब बताता हूं। सबने बता दिया अपना जवाब, कोई बचा है? ठीक है, तो जिसका जिसका जवाब बी है वो सही है, ठीक है। पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मतलब पिछले क्या अभी थोड़ी देर पहले, कि ये मिनिएचर पेंटिंग का एग्जांपल है, और ये मिनिएचर पेंटिंग की सबसे पुरानी पेंटिंग्स है पाला स्कूल। प्लीज मतलब क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, ये चीजें मिस मत कीजिए, नहीं तो इस क्लास का कोई मतलब नहीं, ओके। और इसकी जो जनरल, जो बेसिकली जो थीम्स है पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग की, वो आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म रिलीजन से देखने को मिलती है। आप जितनी भी और मिनिएचर पेंटिंग देखोगे उसमें हिंदुइज्म की जो इंडियन मैथोलॉजी है उसकी थीम देखने को मिलेगी, लेकिन पाला स्कूल सबसे पुराना स्कूल ऑफ इंडिया का मिनिएचर पेंटिंग है,
मतलब मिनिएचर पेंटिंग का सबसे पुराना स्कूल है और इसकी जो थीम है वो बुद्धिज्म और जैनिज्म है। तो ये याद रखना, प्लीज मिस मत किया कीजिए। जब भी मैं क्लास में कुछ पढ़ाता हूँ उसको ध्यान से पढ़िए। आई एम नॉट स्टूपिड कि मैं इतनी देर से आप लोगों को चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। खैर एनीवेज, चीज़ें भूल जाती हैं, पहली बार हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, इसमें इतना नर्वस होने की बात भी नहीं है। लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि बहुत ही ध्यान से जब भी हो, दिमाग बंद कान खुले होने चाहिए, ठीक है, तब जाके कोई चीज़ समझ में आती है। आप चीज़ों को जज करोगे तो कभी कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी। पूरी श्रद्धा के साथ सुनना पड़ता है। जब पूरी श्रद्धा के साथ आप सुनेंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। जज करेंगे कि कैसे पढ़ा रहा है, तेज पढ़ा रहा है, धीरे पढ़ा रहा है, इनको आता है नहीं आता है, कैसे टीचर है वैसे है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप एक घंटे तक जज ही करते रहोगे। इज दैट क्लियर? चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। वर्ली पेंटिंग के बारे में दो स्टेटमेंट है और कौन सा स्टेटमेंट सही है ये देखते हैं, ठीक है। तो वर्ली पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, ठीक है। और वर्ली पेंटिंग को GI टैग मिला हुआ है और ये भीमबेटका की केव पेंटिंग से मैच करती है। दो स्टेटमेंट है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए ताकि ये क्लास रैप अप करते हैं। और कल सेम टाइम पे इंडिया का म्यूजिक है, जो इंडियन म्यूजिक है उसके बारे में हम देखेंगे। कार्नेटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक हमारा कल का टॉपिक होगा। सेम आई थिंक 7:30 से 8:30 की क्लास होगी। क्लास का टाइम इधर उधर हो सकता है लेकिन कल मैं ये क्लास लूंगा, ठीक है। जस्ट बी देयर, जब भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी शुभम सिंह के नाम के क्लास की, तो जस्ट बी देयर एंड डू कम, ठीक है। इसका जवाब लोग बता रहे हैं कि इसका जवाब है आपका, कोई बोला है बी, कोई बोला है डी। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। इसका जवाब है बी, ठीक है। बी सही है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि ये मिनिएचर पेंटिंग का एग्जांपल नहीं है। वर्ली पेंटिंग मैंने सीधा आपको पहले भी बताया था कि कोई भी पेंटिंग जो दीवारों पर बनती है, और मैंने बताया था कि ये ट्राइबल अपने घरों में इन पेंटिंग्स को बनाते थे। वर्ली पेंटिंग, पिथोरो पेंटिंग हुआ, चाहे वर्ली पेंटिंग हुआ, चाहे मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, ये आपके मुराल पेंटिंग के एग्जांपल। हालांकि मधुबनी पेंटिंग को कपड़ों के ऊपर भी बनाया जाता है, लेकिन फिर भी आप मधुबनी पेंटिंग को जनरली देखोगे दीवारों पे भी काफी इस्तेमाल होता है। तो वर्ली पेंटिंग जो है ये मिनिएचर पेंटिंग का एग्जाम्पल है, ये मुराल पेंटिंग का एग्जाम्पल है और इसको GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग मिला हुआ है। अगर आपको नहीं पता है GI टैग क्या होता है तो एक बार गूगल करके पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर अक्सर सवाल आते रहते हैं। और ये भीमबेटका की केव पेंटिंग से काफ़ी मैच करती है, ठीक है। आपने भीमबेटका की केव पेंटिंग्स, ये जो दो पेंटिंग्स मैं दिखा रहा हूँ लेफ्ट साइड की, ये दो पेंटिंग भीमबेटका की केव पेंटिंग्स हैं ये दोनों, और ये वर्ली पेंटिंग है। तो देखोगे काफ़ी कॉमनैलिटी आपको देखने को मिलेगी। ये ह्यूमन फिगर्स देखिए, दोनों में लगभग एक जैसे हैं, एनिमल के फिगर भी लगभग एक जैसे, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ये मैच करती है। ओके, तो दिस वॉज ऑल, और उसके अलावा बहुत ही आज का सेशन इतना ही। कल 7:30 बजे फिर से मिलेंगे। कल हम इंडियन पेंटिंग के इंडियन म्यूजिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं मेरी प्रोफाइल पे, आप जरूर जाके देखना। दे आर लाइक ये आर्ट एंड कल्चर के, उस आर्ट एंड कल्चर के ये 4 कोर्सेज अभी चल रहे हैं। कल एक नया कोर्स मैं आर्ट एंड कल्चर के ऊपर लॉन्च करूंगा जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ जो कल्चर है, कल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट है CCRT, उसमें जितनी भी आर्ट एंड कल्चर के ऊपर इंफॉर्मेशन है उसमें, उस लेक्चर में, उस कोर्स में मैं डिस्कस करूंगा। तो कल एक नया कोर्स आएगा मेरा, ठीक है, तो उसको भी जरूर फॉलो करना। तो ये आर्ट एंड कल्चर के 4-5 कोर्सेज हैं, इसको जरूर देखना, इसके साथ मिस मत करना, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना। एंड उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि एथिक्स का पूरा सिलेबस मैंने कवर किया है,
एथिक्स के साथ दिक्कत ये है, एथिक्स का जो पेपर है उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट बुक्स नहीं है, कोई एक क्रेडिबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं, तो ऐसी पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसको आप पढ़ के ये सोचो कि आपका एथिक्स कंप्लीट हो गया। बहुत ही सब स्टैंडर्ड मटेरियल है मार्केट में अवेलेबल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसको जरूर देखना। इफ यू वॉच ऑल दीज कोर्सेज ऑफ एथिक्स जो मेरी प्रोफाइल पे है, तो आपको इसके लिए कोई टीचर, कोई एजुकेटर या किसी और कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो जब एथिक्स शुरू करना तो मेरी प्रोफाइल पे जो सबसे लास्ट कोर्स है वहां से शुरू करना, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ एथिक्स इंक्लूडेड है, एथिक्स के जो कंसेप्ट है। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में भी सेम बात कही थी कि जो एथिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैंने डिस्कस किया है इस लास्ट कोर्स में, कि ऑनेस्टी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, प्रोबिटी क्या है, इम्पार्शलिटी क्या है, न्यूट्रलिटी क्या है, ठीक है, कंपैशन क्या है, सिंपैथी क्या है, एम्पैथी क्या है, ये सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजिंग चीज़ें होती हैं सब कुछ इस लास्ट कोर्स में मौजूद है। तो वहां से देखने के बाद फिर आप बाकी के एथिक्स के कोर्सेज देखना, इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी है, आंसर कैसे लिखें, पिछले साल के पेपर्स भी मैंने डिस्कस किए हैं कि ये क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से करना है, केस स्टडीज को किस तरीके से सॉल्व करना है, केस स्टडीज को क्या अप्रोच होना चाहिए केस स्टडीज का, तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, तो देखना मत भूलना। और उसके अलावा डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई प्रोफाइल, लाइक शेयर एंड कॉमेंट, ठीक है, और कॉमेंट सेक्शन में इफ़ यू वॉन्ट एनी टॉपिक जिसपे मैं लेक्चर बनाऊँ तो वो भी लिख सकते हो, शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू रिव्यू माई कोर्सेज एज वेल बाई गिविंग नंबर ऑफ स्टार्स टू माई कोर्सेज। तो प्लीज डू ऑल दीज थिंग्स एंड डेफिनेटली विल हैव अ ग्रेट लर्निंग सेशन अहेड। कल जरूर आना 7:30 to 8:30, हम इंडियन म्यूजिक के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।